हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम खतरनाक सी सुपर कार चोरी करने वाले हैं। गाइस, हम चोरी करेंगे इसको, काफी मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। इसमें हम सब कुछ करेंगे गाइस। ये काफी लग्जरी सुपर कार है। हमें जानकारी से मिला है कि एयरपोर्ट पे एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार पोर्ट होने जा रही है। वो कार हम सबसे पहले चुराएंगे और गाइस उस लग्जरी कार को लेके हम अपने घर लेके आएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। सब कुछ आपको इसी वीडियो में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पता चल जाएगा। लेकिन एक बात है, काफी मजा आने वाला है, बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। सो गाइस, अभी हम चलते हैं भाई मोस्ट एक्सपेंसिव कार को चोरी करने के लिए। चोरी करेंगे गाइस हम सबसे पहले हम बाइक से जाएंगे, क्योंकि भाई बाइक से जाएंगे तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं इस चोरी में। क्योंकि भाई ताकि हमारा कोई शक ना करे, क्योंकि हम चोरी करने जा रहे हैं बहुत ही एक्सपेंसिव कार को। यहाँ से गाइस हम अपनी बाइक निकाल लेते हैं। तो गाइस खतरनाक सी बाइक है, वैसे तो हमारे पास किसी को हाथ तो नहीं देगी, लेकिन हम चल दिए हैं। तो गाइस अभी हमको एयरपोर्ट जाना है सीधा। देखना ये होगा कि गाइस कितनी टाइट सिक्योरिटी से वो एक्सपोर्ट होने जा रही है हमारी एक्सपेंसिव कार। गाइस किसी को मालूम भी नहीं होगा कि ये इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी चोरी हो सकती है, लेकिन गाइस हम इसको पॉसिबल बना के रहेंगे। तो गाइस यहाँ से हम एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। एयरपोर्ट पहुँचते ही हम आपको सब कुछ दिखाएंगे कि कितनी पुलिस वहाँ पे खड़ी दिखेगी। अगर गाइस ज्यादा पुलिस हुई तो हमें इतना ही मुश्किल होगा उस कार को चोरी करना। गाइस यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट के गेट। भाई सिक्योरिटी की बात करें तो इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि भाई ये भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी भी तरह से कार जो है चोरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन गाइस हम आप लोगों के लिए 100% इसको चोरी करके मानेंगे। हम अभी कुछ सोचते हैं कि गाइस गेट से तो हम नहीं जा पाएंगे। गाइस मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है, ना हम अभी इस जो पास वाली बिल्डिंग है उसके ऊपर से जंप करें, वहां से हम सीधा एयरपोर्ट में एंटर कर जाएंगे और उस कार को आसानी से चोरी कर सकते हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं इसी आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि हम जाना है सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग है और जो एयरपोर्ट के पास हो। तो यहाँ से हम गाइस बिल्डिंग के पास तो पहुंच चुके हैं, अभी हमें इसके ऊपर जाना है। गाइस इस बिल्डिंग के ऊपर जाना भी मुश्किल है, लेकिन गाइस हम पहुंच चुके हैं बिल्डिंग के ऊपर। अभी हमें यहाँ से जंप करना है एयरपोर्ट में सीधा। जैसे ही हम एयरपोर्ट में एंटर कर जाएंगे तो गाइस हमारा आधा सा काम हो जाएगा, क्योंकि भाई हम फिर अंदर चले जाएंगे कि हमारे पास कोई बंदूक वगैरह ना हुई तो हम पे कोई शक भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें किसी को क्या पता कि गाइस उसमें अंदर काफी लोग हैं। तो हम उनमें ही जाके रोल मिल जाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और सीधा हम फिर कार पार्किंग में जाके वहां से कार चोरी करने वाले हैं। और उधर से भी देख रखा है हमने, एक दो बंदे मेरे मिलने वाले पहले से ही एयरपोर्ट के अंदर है, जिनको मैंने खड़े करके रखा है। गाइस अब टाइम है जंप करने का एयरपोर्ट में, और सीधा हम अपनी बाइक को पीछे की ओर ले आए हैं। और अब इधर से सीधा करते हैं भाई जंप, और इधर से हमने गाइस एयरपोर्ट में कर लिया है जंप सक्सेसफुली। अभी गाइस किधर से जाए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को ये ऑप्शन सही रहेगा। धीरे धीरे दीवार के सहारे से जाते हैं ताकि भाई किसी को पता नहीं चलेगा, और गाइस जो हम निकलेंगे वहीं पे निकलेंगे जहां पे हमारी कार आने वाली है एक्सपेंसिव। फाइनली गाइस हम अंदर भी आ चुके हैं, अभी इधर से जाना होगा जहाँ पे हमारी कार खड़ी है। यहाँ से हम सीधा जाएंगे। ओ भाई रुको रुको रुको, यहाँ पे तो और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। अभी भाई हमारे सामने फिर से पुलिस आ चुकी है, इसका क्या सीन है, क्या करेंगे भी सोचते हैं आइडिया। यार इतनी सारी पुलिस है, 100% बंदे को चेकिंग करके पार्किंग में जाने दे रही होगी। लेकिन गाइस क्या सीन आए, मेरे पास भी जरूरी है कि गाइस अगर गन नहीं होगी तो भाई हमें कोई भी कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि भाई कभी भी इनको शक हुआ तो ये सीधा गोली मार देंगे, इसलिए हमें बच के जाना होगा स्पेशल। यहाँ से हम अपनी गन को छुपा देते हैं सबसे पहले। तो गाइस फिर हम पार्किंग में ले जाएंगे अपनी कार। यहाँ से हमने एक कार खड़ी मिली, मैंने बोला गाइस कार हमें यहाँ से मिलेगी, इसके बहाने से हम जाएंगे अंदर पार्किंग में अपनी कार को पार्क करके फिर उस कार को चोरी करने वाले हैं जो यहाँ पे इंपोर्ट हुई है एक्सपेंसिव कार। वो गाइस हमें टॉप पे मिलेगी, क्योंकि गाइस टॉप पे ही वो इंपोर्ट हुई है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के थ्रू वो आई है कार। गाइस इस सिटी में वो सिर्फ और सिर्फ एक कार है, और गाइस सुनने में आया है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए आई है। वो बिल्कुल ही एक्सपेंसिव कार है भाई, कुछ नहीं पता उसका प्राइस का, उस सब कुछ है गाइस। अभी देखते हैं गाइस हम चलते हैं सीधा ऊपर के ओर, क्योंकि भाई इस कार हमने पार्क कर दी है। अभी
कार पार्क करके हम ऊपर जाएंगे। इस बहाने से गाइस हमें बाइक कार के साथ साथ इधर से भी सिक्योरिटी टाइट कर रखी है, लेकिन हमें ये चेकिंग नहीं होगी यहाँ पे हमारी। भाई हम नीचे ही चेक होके आ चुके हैं, इस वाली मंजिल से भी हम पास हो चुके हैं गाइस। अब हमारी लास्ट सेकेंड लास्ट फ्लोर बचा हुआ है जिसपे वो कार है। भाई अभी हम चलते हैं सीधा उसकी और कार की ओर। हम जब कार के पास पहुंच जाएंगे तो भाई वहां पे भी हमें आइडिया सोचना होगा हम इस कार को कैसे निकाले। गाइस एक आइडिया मेरे पास है, लेकिन मैं देखता हूं वो सक्सेसफुल होता है या नहीं। अभी हम पहुंच चुके हैं गाइस कार के पास। कार बहुत ही लग्जरी एक्सपेंसिव कार लग रही है भाई। ऐसी कार मैंने पहले कभी नहीं देखी, इतनी भयंकर कार। मेरे को काफी पसंद आई ये कार, इस कार को मैं तरह से इधर नहीं छोड़ सकता। और गाइस आप कमेंट करके बताओ आपको ये कार कैसी लग रही है। भाई इसका कलर चेंज करा देंगे अपने गैराज में लेके, ताकि किसी बंदे को भी शक ना हो। तो गाइस यहाँ से अब अभी इस कार को चोरी करने वाले हैं, यहाँ से इसको कुदा देंगे। अगर हम इस कार को यहाँ से जंप कराते हैं तो गाइस ये सीधा एयरपोर्ट के बाहर पहुंच जाएगी, और एयरपोर्ट के बाहर पहुंचते ही गाइस हमारे पास पूरा मौका है इस कार को अपने घर ले जाने का। लेकिन गाइस सिक्योरिटी है, अगर किसी को भी शक हुआ तो सीधा पुलिस का अलार्म बज जाएगा और गाइस वो हमें पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं बाकी क्या होता है। अभी हमने ये कार में लेके चलते हैं इसको। भाई कार को हम जंप कराने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये आइडिया काम कर पाता है या नहीं कर पाता ये तो टाइम के बाद ही पता चलेगा जब हम इसको जंप कराएंगे। तो यहाँ से हम जंप कराने वाले हैं कार को, और यहाँ से भाई हमने सीधी कार को किया है जंप, लॉन्ग जंप। ये बाहर पहुंची एयरपोर्ट से बाहर। एयरपोर्ट के बाहर तो गाइस हमारी कार आ चुकी है, लेकिन मेरे को लग रहा है जो ऊपर वाली टाइट सिक्योरिटी थी उसको पता चल गया है, क्योंकि गाइस उधर की जो गेट पे पुलिस खड़ी थी उसने हलचल की, उसकी दो चार गाड़ी हमारी तरफ आ रही हैं। बाकी देखते हैं, अभी हम इसको काफी दूरी बना रखी है तो यहाँ से हम निकल सकते हैं आसानी से। ओ गाइस सामने से भी हमारे पुलिस कार आधी स्टार्ट हो गई है भाई, अब बिल्कुल हमें खतरा है, रेड अलर्ट हो चुका है हर तरफ। गाइस हमारी कार को ले जाना मुश्किल हो चुका है, लेकिन क्या करूं यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इधर से यार अगर मैं इसको सीधा अपने गैराज ले जाऊंगा तो गाइस सीधा सिंपल से वो उधर ही पहुंच जाएगी सारी पुलिस, क्योंकि इतनी पीछे कर रही है आगे पीछे से। लेकिन गाइस पहले हम शहर को छोड़ते हैं, इनसे आगे दूरी बनाते हैं, जाके कुछ हो सकता है। तो यहाँ से हमने गाइस सिंपल से इनको पीछे छोड़ दिया है। मुझे लग रहा है अभी हमारे पीछे पुलिस इतनी नहीं है, काफी दूर है। सबसे पहले इस कार को हम जो है छुपा देते हैं, उसके बाद गाइस कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। यहाँ से यार हम इसको गैराज में छुपा रहे हैं, लेकिन गाइस दूसरी कार चेंज करके हम इधर उधर इसको भटकाने वाले हैं, ताकि गाइस क्योंकि उनको इस कार का पता ना चले। भाई अभी हम क्या एक दूसरे बंदे का मर्डर करने वाले हैं। मर्डर करके बाद गाइस उसको मार के हमारे पास छह पुलिस लग जाएगी, और इस कार के पीछे उसको पीछा छोड़ सकती है। सारी पुलिस हमारे पीछे लगेगी शहर की, तो इसलिए हम इस कार को सेफ कर पाएंगे। तो सिंपल से अभी हमने इस बंदे को मारने वाले हैं, तो यहाँ से हमने गोली मार दिया। भाई अभी हमारे पीछे पुलिस आने वाली है, ऐसे हम कार में चल के जाते हैं सीधे सुपर कार। भाई हमारे पास लग चुकी है, लेकिन हम सेफ नहीं है, लेकिन हमारी जो कार है एक्सपेंसिव सेफ है। इसका गाइस मैं आपको कैसे बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा जो गाइस उसमें मैं आपको इस कार का रिव्यू करूंगा, और गाइस इसको मॉडिफाई करके आप लोगों को हमने दिखाने वाला हूँ सबसे पहले। फिर गाइस सोचता हूँ इस कार को बेचूंगा या नहीं बेचूंगा, कि गाइस इस कार का ज्यादा दिन तक मैं अपने पास रखूंगा तो गाइस किसी न किसी दिन तो पता चल ही जाएगा, इसीलिए मेरे इस कार को रखने का सेफ नहीं है। यहाँ से मैं इस कार को मॉडिफाई नेक्स्ट पार्ट में मॉडिफाई करूंगा सबसे पहले, तो मॉडिफाई करके इसको काफी कोर्ट में सेल करूंगा, इस पे बोली लगवाने वाला हूँ। तो जो है वो आपको जल्दी ही इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप नेक्स्ट पार्ट जो है वो आसानी से देख पाओ। मजा आने वाला है नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट जरूर मिस मत करना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।